आखिर भारत दुनिया भर का कचरा क्यों खरीद रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि दुनिया के लगभग 25 देश भारत को कई टन कचरा बेच रहे हैं? और भारत में तो ऑलरेडी इतना कचरा मौजूद है, तो आखिर फिर भी भारत दुनिया भर से कचरा क्यों खरीद रहा है? तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि भारत दुनिया भर का कचरा क्यों खरीद रहा है। दोस्तों, हमारे भारत की आबादी कितनी ज्यादा है वो तो आप सब लोग जानते ही हो, पर यहाँ जितनी ज्यादा आबादी है उससे ज्यादा यहाँ के लोग कचरा फैलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि इतना कचरा मौजूद होने के बावजूद भी आखिर भारत दुनिया भर के 25 देशों से कचरा खरीद क्यों रहा है? दरअसल फ्रेंड्स, आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत हर साल लगभग 3300 करोड़ कचरा दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है और कुछ प्लास्टिक वेस्ट भी होता है। और प्लास्टिक वेस्ट में भी ऐसे कई सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत है भारत को जो सिर्फ कचरा ही पूरा कर सकती है? दोस्तों, हम आपको आगे कुछ बताएं, उससे पहले आप इस सड़क को ध्यान से देखो। ये वो सड़क है जो 12 राज्यों को जोड़ती है। इस पूरी ही सड़क की लंबाई लगभग 1,00,000 किलोमीटर है। पर क्या आपको मालूम है कि इतनी शानदार और मजबूत सड़क को किसी और चीज से नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है? वैसे देखा जाए तो ये आइडिया बुरा नहीं है। दरअसल प्लास्टिक वेस्ट की सड़कें बनाने में इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता है। लेकिन क्या भारत सिर्फ सड़कें बनाने के लिए ही दूसरे देशों से कचरा मंगा रहा है? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत में न जाने कितनी ज्यादा मजबूत सड़कें बन चुकी होती। असल में दोस्तों, भारत में कचरे से और भी कई चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि भारत सरकार ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके शानदार काम करते रहते हैं। अब जैसा कि आप प्रोफेसर सतीश कुमार से ही मिल लीजिए, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल बनाती है। ठीक ऐसे ही राजस्थान के रहने वाले आदित्य ने भी ऐसा काम करके दिखाया है जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। दरअसल आदित्य की ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट से कपड़े बनाने का काम करती है। भला किसने सोचा होगा कि प्लास्टिक से अब कपड़े भी बनने लगेंगे? और ऐसे ही कई तकनीकों से भारत दुनिया भर का कचरा तो मंगाता है, लेकिन उससे अलग अलग चीजें बनाता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके कई सारे नुकसान भी हैं। जैसे जिस जगह पर वो कचरा इकट्ठा होगा वहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, और भी ऐसे कई सारे बीमारियों का कारण ये कचरा बन सकता है। जब भी आप फोन या सिनेमा हॉल में मूवीज को देखते हैं तो मूवीज के शुरू में आपको ये पेज देखने को मिलता है। तो आखिर ये होता क्या है और इसे बिना दिखाए ये मूवी को शुरू क्यों नहीं कर देते हैं? तो देखो, ये एक्चुअल में मूवी सर्टिफिकेट होता है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इशू करता है, और ये काम किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, यानी कि ऑडियंस के लिए। क्योंकि जनता को भी पता होना चाहिए कि जो वो मूवी देख रहे हैं उसमें कंटेंट क्या है, क्या वो मूवी बच्चों के देखने लायक है, और उसमें लड़ाई मार काट कितना दिखाया गया है। ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं 10 सेकंड के इस फ्रेम को देखकर। लेकिन आखिर वो कैसे? तो देखो, अगर किसी मूवी के सर्टिफिकेट में यू लिखा हुआ है और हिंदी में ओ लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मूवी अनरिस्ट्रिक्टेड है। मतलब उस मूवी को कोई भी देख सकता है, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो या 20 साल का जवान हो या 50 साल का बुजुर्ग, कोई भी देख सकता है अगर किसी मूवी के सर्टिफिकेट में यू लिखा हुआ है तो। और दूसरे टाइप का सर्टिफिकेट ये होता है कि अगर किसी मूवी के स्टार्टिंग में यू ए लिखा है, यानी हिंदी में ओ वो लिखा है, तो इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड विद कॉशन। मतलब सब कोई तो देख सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जो बच्चे 12 साल की उम्र से कम हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ इस मूवी को देख सकते हैं अगर किसी मूवी में यूए लिखा हुआ है तो। बट 12 साल के ऊपर वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं। ये एक तरीके से काइंड ऑफ यूनिवर्सली है। और उसके बाद एक और सर्टिफिकेट आता है जिसमें ए लिखा हुआ होता है। ए मीन्स अडल्ट ओनली, मतलब 18 साल के ऊपर वाले लोग ही इस मूवी को देख सकते हैं। और लीगली स्पीकिंग 18 साल के कम उम्र वाले लोगों को ऐसी मूवी देखना अलाउड नहीं होता है अगर किसी मूवी के सर्टिफिकेट में ए लिखा हुआ है तो। और यार, एक और रेयर टाइप का सर्टिफिकेट होता है जिसमें एस लिखा हुआ होता है। एस का मतलब होता है स्पेशल मूवी, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल क्लास। आपको नहीं पता होगा कि कुछ मूवी ऐसी भी होती हैं जो पब्लिक से हिडन होती हैं, यानी उस मूवी को आप और हम लोग नहीं देख सकते हैं, उस मूवी को केवल स्पेशल लोग ही देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट और वगैरह वगैरह। और सिर्फ इन्हीं के पास परमिशन होता है इन मूवीज को देखने का। जिसके पास डिग्री नहीं, वो लोग इन मूवीज को नहीं
देख सकते हैं। आपको कभी टिपिकली एस देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि ये पब्लिक से अलग होता है, बट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैंने बता दिया। वेल फ्रेंड्स, यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख पाओ। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।